दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक के पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएफबी के वॉशिंग मशीन इलाइट प्लस एसएक्सआर 7.5 kg 1200 RPM पे स्पिन करती है, मतलब कि इसकी प्रोग्राम के हिसाब से 400 से लेके 1200 स्पीड आरपीएम पे स्पिन करेगी। डोर इसका लुक जरा इसकी नई आई है, नई बिल्कुल मशीन है ये, जो कपड़े डालने हैं अपने 70% फिल करने हैं, यहाँ तक फिल करने हैं, ऊपर तक फिल नहीं करने हैं। कपड़ों में अच्छी मूवमेंट होगी तो अभी आपको वॉशिंग क्वालिटी मिलेगी। अगर आपको वूलन्स हैं तो उसको हाफ लोड कीजिए, हाफ लोड या 60% कीजिए, आप 70% से भी कम रखिए। डोर बंद होगा तभी मशीन चलेगी। डिटर्जेंट ट्रे की बात करें तो डिटर्जेंट ट्रे इसमें आपको प्री वॉश ये वाला मिलेगा, ये वाला मेन वॉश है, ये एडिटिव है। अगर आपने प्री वॉश यूज़ करना है तो इसमें डिटर्जेंट डलेगा, अगर लिक्विड डालोगे तो वो डलेगा 10 ml, और अगर ड्राई डाल रहे हो तो वो 20 ग्राम के लगभग डलेगा। इसमें आप मेन वॉश में डालोगे तो लिक्विड डिटर्जेंट डालना है तो ये ट्रे यूज़ होगी, ड्राई डालना है तो यहाँ पे डालना है, ट्रे यूज़ नहीं करनी है। तो जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो आपका डलेगा 40 ml, और जो ड्राई डालोगे तो वो डलेगा 60 ग्राम। इसमें आप एडिटिव, आफ्टर वॉश, कंफर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये मशीन की पावर है, ऑन करोगे तो इसमें आपका ये लाइट लगी हुई है, लाइट चल जाती है इसमें, जब भी आप पावर ऑन करोगे तो लाइट जलेगी। और इसमें एक सर्कुलेशन के लिए ये पंप दिया हुआ है, यहाँ से पानी निकलेगा, सर्कुलेट होगा डिटर्जेंट वगैरह, इससे वॉशिंग क्वालिटी बढ़िया आती है, डिटर्जेंट अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जो पहला प्रोग्राम है वो मिक्स सॉलिड है, मिक्स कपड़े हैं आपके, थोड़े ज़्यादा मलना है, टाइम साथ साथ में बताई जा रहेगा आपको, टाइमिंग इसको बताएगा कितने टाइमिंग तक चलानी है आपने, और आरपीएम बताएगा, स्पिन आरपीएम, कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकते हो वो बताएगा, टेम्परेचर कौन सा चल रहा है, जैसे ये इसमें 30 डिग्री ये फिक्स है, तो ये सारा कुछ इसमें आएगा, जो जो सा प्रोग्राम चलाते रहोगे साथ साथ में ये बताती रहेगी। उसके बाद बात करें अगला है मिक्स सॉलिड प्लस। इसमें क्या प्लस में ये होता है कि इसमें प्री वॉश ऐड है और 40 डिग्री टेम्परेचर पर चलेगा ये। उसके बाद आ गया सिंथेटिक, सिंथेटिक वाले कपड़े हैं या डेली कपड़े हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कॉटन नॉर्मल है, कॉटन नॉर्मल कपड़े हैं, कॉटन इको आ गया। इसमें क्या होता है थोड़े ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो आपको इसमें थोड़ा मोटर ज़्यादा चलेगी, मैकेनिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा कपड़ों पर, जिससे वॉशिंग क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी, और टेम्परेचर इसमें जो देगा वो 40 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद अगर आपने कपड़े धो लिए हैं, उसको धो लिया है, सिर्फ सुखाना चाहते हो तो आपका स्पिन करेगा 1000 RPM पे 16 मिनट के लिए चलेगी, और ये इसके आपके RPM बढ़ा भी सकते हो, तो वो मैं आपको आगे जाके ऑप्शन पे समझाता हूँ। उसके बाद टब क्लीन है, अगर आपने 3-4 महीने बाद यूज़ करते हो गया मशीन को तो आप इसको कपड़े वगैरह मत डालो इसमें, सिर्फ इसमें टब क्लीन पे करो, स्टार्ट कर दो तो इसमें ऑटोमेटिकली जो टब में स्केलिंग वगैरह हो जाती है तो उसको निकाल देता है। उसके बाद स्पिन रिंस प्लस स्पिन है। इसमें क्या है कि अगर आप ने मैं कपड़े बाहर धो लिए हैं, आप चाहते हो नील दे के सुखा दे या वन टाइम रिंस करके सुखा दे तो वो आप मशीन चल जाएगी। उसके बाद बेबी वॉश है, इसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा है, टाइम इसमें ज़्यादा आएगा, आपका टाइम लेगा 2 घंटे 3 मिनट का, क्योंकि तो थोड़े बेबी के कपड़े, बच्चों के कपड़े क्या होते हैं गंदे होते ज़्यादा, तो उसके लिए RPM इसकी 800 पे चलेगी, तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा है क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं ना थोड़े वो गंदे होते हैं, वूलन्स के लिए है, वूलन का कपड़े धोने हैं। एंटी रिंकल्स है, एंटी रिंकल्स में एंटी एलर्जी है, इसमें क्या है कि एक रिंस है ना वो एक्स्ट्रा करेगा, वन टाइम रिंस एक्स्ट्रा कर देगा, डिटर्जेंट वगैरह कपड़ों में ना आ रहे इसके लिए होता है ये। उसके बाद बल्कि वॉश, ठीक है। उसके बाद क्रेडल वॉश आ गया। क्रेडल वॉश में क्या होता है जैसे कि कपड़े आपके महंगे हैं, उसको आपने रोटेशन ज़्यादा नहीं देनी, मैकेनिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं देना चाहते हो, तो इसमें झूले की तरह मशीन चलेगी, मतलब कि जो टंबल नहीं, पूरा नहीं घूमेगी मशीन, इसकी सर्कुलेशन है 35 डिग्री तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ये।
उसके बाद एक्सप्रेस वॉश है, 30 मिनट का प्रोग्राम आता है ये सब तो हो गए प्रोग्राम। उसके बाद इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, जैसे कि आप डेली वॉश है, सॉरी प्री वॉश से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन में जाओगे तो ये पहला प्री वॉश चल रहा है, इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए ये प्री वॉश चल रहा है, ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करना है तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्री वॉश बढ़ जाएगा तो टाइम बढ़ गया। ऐसे ही प्री वॉश में क्या है कि आपके थोड़े ज़्यादा कपड़े गंदे हैं, मिट्टी वाले हैं, जैसे कर्टन्स वगैरह होते हैं, तो फिर आपने इस साइड में डिटर्जेंट डालना है। वैसे हर बार डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें इस साइड में डिटर्जेंट डालोगे 20 ग्राम या सॉरी 10 ml या 20 ग्राम, अगर लिक्विड डाल रहे हो 10 ml वैसे 20 ग्राम डालना है, और इसको सेलेक्ट कर दो और स्टार्ट कर दो, मशीन प्री वॉश कर देगी। उसके बाद आ गया सॉक, ठीक है जी। सॉक वाला ब्लिंक होने लग पड़ा, सॉक आ गया। तो अब इसमें सॉक वाला प्रेस करोगे, डिप करके रखना है जैसे कपड़ों को पानी में, तो ये 15 मिनट करना चाहते हो आप, 30 मिनट या 1 घंटे के लिए करना चाहते हो। 3 इसमें टाइमिंग दी हुई है। इसमें क्या होता है, कपड़ों को उतनी देर पानी में डिटर्जेंट में डिप करके रखेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी मैल वगैरह अच्छी तरह उगल जाती है, वॉशिंग क्वालिटी थोड़ी बढ़िया हो जाती है। उसके बाद आ गया एक्स्ट्रा रिंस। एक्स्ट्रा रिंस में क्या है कि आप रिंस बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि इसमें एक रिंस बढ़ाना चाहते हो, दो रिंस बढ़ाना चाहते हो, मतलब 1 और 2 रिंस बढ़ जाएंगी, जिससे आपका मतलब कि डिटर्जेंट अच्छी तरह निकल जाए। आपको लग रहा है कि ऐसे कपड़े हैं जिसमें डिटर्जेंट रह रहा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन आती है। रिंस होल्ड है, मतलब कि आप कहीं जा रहे हो तो आपने मशीन शाम को खोलनी है, गर्मियों का दिन है, तो क्या होगा स्पिनिंग के बाद मशीन जो कपड़े बीच में रहेंगे ना, तो रिंकल्स आ जाएंगे, सूख जाएंगे, स्मेल बैड स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो रिंस होल्ड कर दोगे ना तो कपड़े सुखाएगी नहीं, उससे पहले रुक जाएगी। तो जब आप आते हो तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट वाला बटन प्रेस करो तो आपके सामने सुखा देगी। टाइम सेवर है। टाइम सेवर में क्या है कि अब जब भी करोगे तो वॉश वाला टाइम है वो 40% कम हो जाएगा, वॉश वाला टाइम जिसमें वॉशिंग करता है, रिंस और स्पिन में नहीं कोई फर्क पड़ेगा, वॉश वाले में। उसके बाद आ गया डिले स्टार्ट, मतलब आप अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते, अब से कुछ देर के बाद, जैसे कि 30 मिनट बाद स्टार्ट करना चाहते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे, ऐसे आप मतलब कि इसको बढ़ाते जाओगे तो ये आपका मतलब कि उतना टाइम के बाद ये स्टार्ट होगी। जैसे मान लो आप ये आ जाएगा 24 आवर्स तक, जैसे कि आप अभी नहीं सुबह 5 बजे मशीन चलाना चाहते हो जब पानी आता है, तो उसमें क्या होगा आपकी जो मशीन है तब स्टार्ट हो जाएगी, आपने बस गिनना है कितने घंटे के बाद स्टार्ट हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप टेम्परेचर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, नहीं चलाना है तो वो नहीं भी चला सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। स्पिन आरपीएम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना वो भी हो जाएगा, ज़ीरो भी हो जाएगा, जितना मैक्सिमम करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। उसके बाद ये स्टार्ट है, जब स्टार्ट कर दोगे तो मशीन ये चल पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसमें आपका प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब जब स्टार्ट करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी तो मशीन ऑन हो जाएगी, और अगर पॉज कर दोगे तो ये आप प्रेस करके रखो, पॉज हो गया तो ये 1.5 मिनट बस का डोर रिलीज हो जाएगा, तो आप डोर खोल सकते हो उसका। और ये दो बटन दिए हुए हैं, ये दो निशान बनाए हुए, इस दोनों को 3 सेकंड के लिए करके प्रेस रखोगे तो ये डोर सॉरी मशीन लॉक हो जाएगी, कीपैड लॉक हो जाएगा इसका, कोई काम नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ये सब तो इसके प्रोग्राम हो गए। उसके बाद इसमें लास्ट नीचे ना एक फिल्टर दिया होता है, इस फिल्टर को आपने 15-20 दिन के बाद साफ़ करना होता है। जब भी खोलोगे इसमें 1 नंबर पानी निकलेगा, इसको खोल के आपने साफ़ करना होता है, ताकि इसमें साफ़ करना होता है ताकि इसमें से वो निकल जाए, गंदगी वगैरह थ्रेड वगैरह ना रहे वो निकल जाए, ऐसे बंद कर देना इसको। और अगर आपको हमारी डेमो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।